हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो वो राजवंश है विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के फेमस सम्राट कृष्णदेव राय जी ने अपनी किसके नाम पर विजयनगर के समीप एक नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना करी थी? तो किसके नाम के ऊपर करी थी? वो थी इनकी माता। क्या नाम था वो, आगे क्वेश्चन है उसमें डिसाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो थी हम्पी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है, जो फिलहाल में कहाँ पे है, कर्नाटका राज्य में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम क्या था? तो इन्होंने एक संत की प्रवृत्ति अपनाई थी, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था माधव विद्यारण्य। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी किसके थे कृष्णदेव राय जी? तो वो थे बाबर के, जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। अब आपको एक लिंक बताता हूँ जो कि आप जोड़ पाओगे बाबर और कृष्णदेव राय को। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि बाबर की जो आत्मकथा है, बाबरनामा, उसमें उन्होंने साफ लिखा था कि जो भारत का सबसे शक्तिशाली राजा है वो कौन है, वो है कृष्णदेव राय जी। तो अब इसको लिंक कर सकते हो। कृष्णदेव राय के द्वारा रचित फेमस काव्य अमुक्तामाल्यद की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये भी पूछा जाता है किस भाषा में की गई थी। ये तो आपको पता चल गया कि कृष्णदेव राय ने की थी किस भाषा में, तो वो भाषा थी तेलुगु। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? भाई, 8 लोगों का एक समूह था जो कि अपने अपने आप में फेमस थे। वो 8 लोग कौन थे? तो वो 8 फेमस तेलुगु कवि थे जिसको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो वो संबंध बनाए थे पुर्तगालियों से। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है कि कृष्णदेव राय को किस दूसरे अन्य नाम से भी जानते हैं, तो इनको हम आंध्रभोज के नाम से भी जानते हैं। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। कृष्णदेव राय की माता का नाम क्या था? तो थोड़ी देर पहले हमने जिक्र करा था कि इनकी माता के नाम के ऊपर एक बस्ती का नाम रखा गया था और इनका नाम था नगला देवी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टोटल 4 राजवंश थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। अब वो चारों कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो राजवंश आया था वो था संगम राजवंश, जो हरिहर और बुक्का जी थे वे इसी राजवंश से बिलोंग करते थे। दूसरे नंबर पे आया सालू राजवंश, और जो तीसरे नंबर पर था तुलु वंश, ये तीसरे नंबर का था। और जो सबसे लास्ट में आया था वो था अराविद्दु राजवंश। तो इन चारों राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य पे शासन किया था। रायचूर दोआब करसना और तुंगभद्रा के बीच की भूमि विजयनगर और किसके राजाओं के बीच में संघर्ष का कारण बनी थी? यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले, जो विजयनगर साम्राज्य है किस नदी के ऊपर बसा हुआ शहर है? तुंगभद्रा नदी पे। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। और किस किस के बीच में इसके ऊपर संघर्ष चला था? तो विजयनगर के राजाओं के बीच में और दूसरी तरफ थे बहमनी साम्राज्य। ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस साल में हुई थी? तो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। 1336 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है।
कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना? या आपसे ये भी पूछ सकता है, किस युद्ध के बाद में विजयनगर का पतन हो गया? तो वो युद्ध था तालीकोटा की युद्ध, जो कि कब हुआ था दोस्तों? 1565 ईस्वी में हुआ था। किस मध्यकालीन शहर में हजारा राम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो वो शहर था विजयनगर का, और विजयनगर में भी कहाँ पे? हम्पी में। और किस भगवान का मंदिर था? भगवान राम का मंदिर था। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, तो ये तो आपको कंफर्म करना है कि कृष्ण देव राय, जिन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया था, एक्चुअली में क्वेश्चन यही पूछा गया था कि शासन कब से कब तक किया था। इसको मैंने थोड़ा और अपडेट किया है कि भाई इन्होंने शासन तो किया, इनका संबंध किस राजवंश से था? तो इनका संबंध था तुलु वंश से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है।